बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ हो। मसीह खुदा में मेरे अजीजों, शामिल होने के लिए तैयार, अपने आप को तैयार करें और अपनी तमाम गलतियों, गुनाहों, कमजोरियों के लिए खुदा से और एक दूसरे से माफी मांगें। मैं कादरमुतली खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों इस गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं कसम मरियम हमेशा गवारी, सब फरिश्तों, मुकद्दसों और आप सब से भी उपमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ। कादरमुतली खुदा बाप, हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। अय खुदावंद रहम कर, अय खुदावंद रहम कर, अय मसीह रहम कर, अय मसीह रहम कर, अय खुदावंद रहम कर, अय खुदावंद रहम कर। हमारे तमाम भाइयों बहनों को सेहत, सलामती, तंदुरुस्ती और अपनी बरकत अता करें और इमरान आरिफ और रिजवान परवेज के अच्छे कारोबार के लिए आज की मेहरबानी खुदाम के हुजूर को सलामी चाहेगी कि मेहरबान खुदाम हमारे भाइयों के कारोबार को कसर से बरकत दें ताकि घरानों में और कारोबार में किसी चीज़ की कमी ना रहे और नारेब नकाश के सफर की कामयाबी के लिए आज की मेहरबानी खुदाम के हुजूर को सलामी चाहेगी कि मेहरबान खुदाम इनके सफर में इनकी मदद रहनमाई करे और सही सलामती के साथ इन्हें मंजिल मकसद पर पहुँचाए और इसके साथ साथ सकलैन बूटा जहान सेब मसी और उन मसीह के कामयाबी के लिए आज की कुर्बानी खुदा के हजूर गुजरानी चाहेंगी कि मेहरबान खुदा हमारे भाइयों को कसर से बरकत अदा करे और जिंदगी में जो भी इनके नेक मकसद है उनको पूरा करे और इन्हें कामयाबियाँ अदा करे। कैसर नदीम की आज सालगिरह है, हम इनके अच्छी सेहत के लिए खुदाम के हुजूर आज की कुर्बानी को सलामते हैं कि मेहरबान खुदाम तेरी कसर से बरकत दें और जिंदगी में बहुत सी खुशियाँ बरकत दें अता करें। आसिम यूसुफ के घराने की तामीर के लिए आज की कुर्बानी खुदाम के हुजूर गुजरानी चाहेगी कि मेहरबान खुदाम हमारे भाई आसिम यूसुफ के घर और तमाम खानदान को बड़ी बरकत दें और घर की तामीर में जो भी रुकावटें हैं खुदाम ने अपनी मेहरबानी से दूर करें।
अदनान रशीद और मरियम जमशेद, अदनान रशीद मरियम और जमशेद रूद के खानदान के लिए आज की मुसलमानी खुदाम के हजूर गुजारनी चाहेगी कि मेहरबान खुदाम इन घरानों को बरकत दे और इन्हें औलाद जैसी नेमत अदा करे। मरहूमीन ने सुबह मसीह की रूह के लिए, सीमा बीबी की रूह के लिए, यूसुफ मसीह की रूह के लिए, नसरीन बीबी की रूह के लिए, फातिमा बीबी की रूह के लिए और अहमद मसीह की रूह के लिए आज की कुर्बानी खुदा के हुजूर गुजारनी चाहेगी। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। आए कादर मुतलीब आसमानी खुदावन, तुम लोगों के लिए ताकत का बायस है जो तुझ पर तवक्कुल करते हैं। अपने करम से हमारी इल्तिजाओं को कबूल कर। हम अपनी फानी साथ की कमजोरी के बायस तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। पास तो अपने फजल से हर वक्त हमारी मदद कर ताकि हम तेरे हुक्मों पर अमल करने में इरादे और अमल से तेरे मकबूल नजर ठहरे। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सब कुछ करता है। मैं पस्त द्रवत को बुलंद करता हूँ। पाक कलाम से हमारे लिए आज की पहली तलावत हिज़कियाह नबी का सहीफा उसका 17वां बाब 22 ता 24 तक। मालिक खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं हाँ में ही देवदार की बुलंद चोटी से लूंगा, मैं उसकी ऊंची ऊंची डालियों में से एक नरम कोंपन काट लूंगा और उसे ऊंचे और बुलंद पहाड़ पर लगाऊंगा, यानी मैं उसे इसराइल के एक ऊंचे और बुलंद पहाड़ पर लगाऊंगा तो वह शाहीन निकालेगा और फल लाएगा और आलीशान देवदार बन जाएगा, उसके नीचे सब परिंदे बसेंगे, सब परदार जानवर उसकी डालियों के साए में बसेरा करेंगे और मैदान के सब दरख्त जानेंगे कि मैं ही खुदावंद हूँ। उसने बुलंद दरख्त को पस्त किया और पस्त दरख्त को बुलंद किया और हरे दरख्त को सुखा दिया और खुश्क दरख्त को सरसब्ज किया। मैं खुदावंद ने कलाम किया है और मैं ही कर दिखाऊंगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खारिज हैं क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं
ना के अयान से चलते हैं। हमारी खातर जमे हैं और हम बहुत चाहते हैं कि बदनी सकूनत से खारिज होकर खुदावंद के यहाँ साकिन हो जाएं। इसी वास्ते हमारी बहुत कोशिश है कि क्या साकिन क्या खारिज उसे खुश करें, क्योंकि वाजिब है कि मसीह की मसनद अदालत के हजूर जाकर हम सब हाजिर हों, ताकि हर एक जो कुछ उसने बदन में होकर किया खमाने की खमाबदी उसका बदला पाए। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। के साथ हो हमारे लिए आज के इंजील मुकद्दस पॉल का भी मुकद्दस मरकज और उसने कहा कि खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले, रात को सोए और दिन को उठे और बीज चुके और बड़े और वो जाने भी ना कि ये कैसे होता है। जमीन खुद ब खुद फल आती है, पहले पत्ती फिर बाद में पूरे दाने। जब फल पक जाता है तो फौरन दरांती लगाता है क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा है। फिर उसने कहा कि हम खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दें या किस तमसील से इसे बयान करें। बुराई के दाने की मानत है कि जब जमीन में बोया जाता है तो जमीन के सब बीजों से छोटा होता है, लेकिन जब बोया गया तो उगता और सब तरकारियों से बड़ा हो जाता है और ऐसी बड़ी डालियां निकालता है कि आसमान के परिंदे उसके साए में बसेरा कर सकते हैं और वो ऐसी बहुत सी तमसीलों में उनके समझ के मुआफिक उनसे कलाम करता था और बेतमसील उनसे कुछ ना कहता था, लेकिन तन्हाई में अपने शागिर्दों को सब बातों के मानी बताता था। यहां तक आज की छिले मुकदस के हम सब के गुनाह माफ किए हैं। उसी खुदा में मेरे सीस भाई बहनों, आज हम साल के दौरान ग्यारहवें इतवार की इबादत में शरीक हुए हैं और आज की तलावत हमें खुदा की बादशाही के बारे में बताती है और खुद खुदा यीशु मसीह आसमान की बादशाही को बयान करने के लिए बीज की तमसील हमारे सामने पेश करते हैं और इसके बाद फिर राई के दाने के बीज की तमसील भी खुदा यीशु मसीह बयान करते हैं, जिससे वो अपने शागिर्दों को लोगों को ये बताना चाहते हैं कि खुदा की बादशाही किस तरह एक छोटी सी जगह से छोटे से इलाके से निकलती है, छोटे से यरूशलेम से उसका आगाज होता है, छोटी सी जमायत उसका आगाज करती है और फिर ऐसा सब पूरी दुनिया में ये फैलेगी और फैलती है। और जब हम बीज पर गौर करते हैं तो यकीनन अगर आप देखें तो बीज की अहमियत और वैल्यू क्या है, बहुत से लोगों की नजर में बीज की कोई अहमियत बेमुकस बीज है वो बेमुकस है, लेकिन किसान के लिए वही बीज जो दूसरे इंसान की नजर में बेवकूफ है उसकी नजर में उसकी अहमियत, क्योंकि किसान के लिए बीज की अहमियत इसलिए है क्योंकि जब वो फसल लगाता है तो अपने लिए अच्छे बीज का इंतखाब करता है, अच्छा बीज चुनता है ताकि अच्छी फसल हो सके। उसी तरीके से अगर फलाना खासा बुरा बीज काश करेगा तो फिर फसल का नुकसान हो, फसल का नुकसान। आज खुदा यीशु मसीह जाओ बीज की तमसील के जरिए खुदा की बादशाही के बारे में बताते हैं तो देखें कि बीज कहां पर और बादशाही कहां पर, ये दोनों अल्फाज जो है वो बड़े मुतजाद से लगते हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह दुनियावी बादशाही की बात नहीं कर रहे बल्कि रूहानी और आसमानी बादशाही की बात कर रहे हैं, इसलिए बीज की तमसील ली गई, बीज के दाने की तमसील ली गई। क्यों? क्योंकि खुदा की बादशाही में सबसे पहली शर्त जो है वो यही है कि जिंदगी में हलीमी और फुर्ती और छोटापन अपनाया जाए और इसीलिए शायद खुदा यीशु मसीह ने भी बीज की तमसील ली कि खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए हमें हलीम और प्रोतर और छोटा बनने की जरूरत।
क्योंकि जब हम दुनियावी पाशे की जैसी बात करते हैं तो हमारे जहन में स्टेटस की बात आती है, ओहदे का ख्याल आता है, रुतबे का जो है वो ख्याल यकीन आता है कि बादशाही के साथ ये चीजें जुड़ी हुई। लेकिन खुदा की बादशाही में बिल्कुल भी ऐसा नहीं। खुदा की बादशाही में वो शख्स ज्यादा कबूल और ज्यादा काबिल कदर होगा जो अपने आप को हलीम और प्रोतर बनाएगा, अपने आप को छोटा बनाएगा। इसलिए खुदा यूसुफ मसीह ने इस बादशाही को बयान करने के लिए राई के दाने की तमसील हमारे सामने पेश की है कि राई का दाना एक छोटा सा दाना है, अगर उसे हम इस जमीन पर फेंके तो यहाँ पर शायद वो नजर भी ना आए, लेकिन वही बीज जब खेत में डालेंगे तो जब तक वो उगेगा नहीं उस वक्त तक तो नजर नहीं आएगा, लेकिन जब वो अपनी शाखे निकालेगा, कोंपले निकालेगा, एक गला और तना और दरख्त बनेगा, तो फिर उसे दूर से ही लोग देख सके। खुदा की बादशाही भी ऐसे, खुदा की बादशाही का आगाज भी यरूशलेम से होता है। खुदा यीशु मसीह इस बादशाही का आगाज करते हैं और खुदा यीशु मसीह ने यह भी कहा कि जब तक गेहूं का दाना नहीं मर नहीं जाता उस वक्त तक वो अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो फिर क्या होता है, फिर बहुत सा फल आता है। और देखेंगे खुदा यीशु मसीह ने भी अपनी जान का नजराना दिया ताकि खुदा की ये बादशाहत इस दुनिया में बहाल हो सके। और देखिए खुदा यीशु मसीह के शागिर्द, खुदा यीशु मसीह के कितने शागिर्द थे, कितने शागिर्द थे, 12 शागिर्द। एक ने क्या किया था, एक योदा सुलुशन ने क्या किया था, हैं योदा सुलुशन युद्ध ने क्या किया था, हैं पकड़वाया से बाद क्या किया था, बाद जो फांसी रख, बाकी कितने बचे, हैं उसके बाद एक और को शामिल उसमें किया गया था, फिर उसका क्या नाम था, उसका क्या नाम था, एक और शागिर्द को मुंतखब किया गया था 12 की जमायत बनाने के लिए, तो एक और शागिर्द वो आपने घर पे जाके देखना है, रसूलों के अमाल में उसका जिक्र है जहाँ पर 12वां शागिर्द को फिर चुना जाता है ताकि 12 शागिर्द जो खुदा ने मुकर्रर किए थे वो 12 फिर से बन सके। ये होमवर्क आपका है, ये आपने घर पे जाके देखना है, ठीक है। तो रसूलों की जिंदगी पर जब हम गौर करते हैं तो देखें कि खुदा यीशु मसीह के शागिर्द बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, ना ही उनके पास डिग्रियां थी। खुदा यीशु मसीह राह में चलते हुए कुछ चौराहे पर किसी को बैठे देखा तो उससे कहा कि मेरे पीछे हो, गली में बाजार में गुजरे उसने देखा कि कुछ लोग जब उसके कलाम से उसने उनसे भी कहा मेरे पीछे हो। समंदर पर गया, माही गिर मछलियां पकड़ नहीं पकड़ सके, खुदा ने क्या कहा मेरे पीछे हो। इस तरह के आम लोग जो थे वो खुदा यीशु मसीह के शागिर्द, लेकिन उन आम शागिर्दों को खुदा ने एक बड़ी खास जिम्मेदारी सौंपी के पूरी दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करनी, सारी खलकत को अंजील का पैगाम सुनाना है, और उन्होंने अपने तन मन धन का नसराना पेश कर, अपने तन मन धन इस बात के लिए कुर्बान कर दिया और खुदा की बादशाही को बहाल करने में अपना हिस्सा और अपना किरदार अदा किया। और इसलिए नहीं कि उनमें अकड़ थी, इसलिए नहीं कि उनके पास डिग्रियां थी, इसलिए नहीं कि उनके पास आला ओहदे थे, खुदा की बादशाही इसलिए बहाल हुई क्योंकि उनमें इंकसारी थी, उनमें आजजी थी, उनमें छोटापन, वो खुदा के लिए अपने आप को हकीर तर तसव्वुर करते थे। इसलिए खुदा की ये बादशाही जो इस दुनिया में कायम हुई इस वसीले से कायम, और खुदा ने खुद इस बादशाही को इस दुनिया में कायम किया जब उसने पतरस कहा कि तू कैफा है और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊं, खुदा ने इस कलीसिया को कायम किया और इसलिए आज तक ये कलीसिया कायम है और रहती दुनिया तक ये कलीसिया खुदा के फजल करम से कायम रहे। आज की
چلے مقدس پہلی بات جو ہمارے لیے ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ چھوٹے پن کی نہیں, ہم سے زیادہ تر بنے, ہمارا رتبہ ہمارا مقام دوسروں سے بلند, ہم دوسروں کو آرڈر دیں کوئی ہمیں آرڈر نہ دے, نہیں ہم کسی کو آرڈر دیں کوئی ہمیں آرڈر نہ دے, تو یہ ہماری خواہش. لیکن خدا کی بادشاہی کے فرساد بننا ہے تو پھر اس کے لیے جس ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے, جس پاسپورٹ کی ضرورت ہے اور جس اسٹیمپ کی ضرورت ہے, وہ کیا ہے اپنی زندگی عملی چاما, عملی چھوٹے پن کو, آجزی کو عملی چاما پہنا, اپنی زندگی میں آجزی اور انکساری کو لے کر آنا. بیج جو کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں, لیکن جب وہ اگتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو زندگیاں دیتا ہے. اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنی زندگی میں آجزی کو, چھوٹے پن کو اپنانے کی ضرورت ہے خدا کی بادشاہی کے لیے. دوسری بات جو خدا کی بادشاہی کے بارے میں بتائی گئی ہے, بیج کے بارے میں بتائی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ بیج جب بویا جاتا تو یہ آہستہ آہستہ پڑتا ہے کہ نہیں؟ کبھی ایسے دیکھا ہے کہ بیج رات بوئے اور صبح تک وہ پورا درخت بن جائے؟ کبھی ایسا دیکھا ہے؟ کبھی ایسا ہوا؟ پھر وہاں ڈرامے چل جائیں, پھر وہاں ڈرامے بڑھ جاتے, اصل میں نہیں ہے کہ کے لیے کام کیا جاتا ہے, جب کسی کامیابی کے لیے کام کیا جاتا ہے یا کسی بیج کو بویا جاتا ہے تو اس کا ایک اپنا پروسیس, شارٹ کٹ ہوگا تو وہ فصل خراب ہو جائے گی یا بندہ ناکام ہو جائے گا یا کام آپ کا نہیں جو ہے وہ صحیح نہیں. جیسے ہمیں بھی آج انسان 21ویں صدی کا نوجوان جو ہے وہ اپنی زندگی میں شارٹ کٹ اپنانا چاہتا ہے, نہیں اسی سانو اگر ٹھٹے جانا ہوئے سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ جو ہے یہ شہر میں جائیں گے اور پھر اس کی طرف سے جائیں گے. تو بہت سارے نوجوان کیا کرتے ہیں, بہت سارے نوجوان کی کرتے ہیں شارٹ کٹ راستہ کیے کہ اتوں پول دے تھلوں دی نہ جانا, نہیں یہ تو ایک مثال. اور بہت سارے کام پیپرز, تعلیم کی بات کروں, تعلیم میں کیا ہوتا ہے سندھ میں, پنجاب میں تھوڑا کم ہے لیکن سندھ میں شارٹ کٹ بڑا چل رہا ہے. سندھ میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے اور ایڈمیشن کے بعد پھر آپ نے سپرنٹینڈنٹ کو پیسے دینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اپنے پیپر جا کے حل کر لیں, کتابیں ساتھ لے جائیں, شارٹ کٹ. کام کے لیے دیکھیں, نوکری کے لیے دیکھیں اور زندگی کے بہت سارے شعبات ہیں ان میں دیکھ لیں کہ انسان شارٹ کٹ طریقے سے ان ہونا چاہتا ہے, کہ خدا کی بادشاہی میں ایسا نہیں بتایا. خدا کے پاس بھی ایک ایسا وقت تھا جب اسے بھی اس شارٹ کٹ کی پیشکش کی گئی, جب خدا یسوع مسیح آزمائشوں میں سے گزر رہے تھے تو شیطان اسے آ کر کہتا ہے کہ کیوں اتنی محنت کر رہا ہے, کیوں اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے, کیوں اتنی مصیبت برداشت کر رہا ہے, اگر تو گر کر مجھے سجدہ کر دے گا تو میں تجھے یہ ساری شان و شوکت دے دوں, میں تجھے سارے شہر و شوکت دے دو. تو خدا نے اس کیا جواب دیا؟ خدا نے اسے جواب دیا کہ میں شارٹ کٹ نہیں اپنانا چاہتا, میں جس کام کے لیے آیا ہوں, میں جس منصوبے کے لیے آیا ہوں, میں انسان کو نجات دینے کے لیے آیا ہوں اور اس کے لیے مجھے اپنی جان بھی گنوانی پڑی, مجھے اپنی جان کا نذرانہ بھی دینا پڑا, تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا, اس سے باز نہیں آؤں, شارٹ کٹ. تو خدا کی بادشاہی میں بالکل بھی شارٹ کٹ نہیں چلے, ہر کسی نو اپنا ساتھ دینا, ماں کو اپنا ساتھ دینا ہے, باپ کو اپنا ہی ساتھ دینا ہے, بیٹے کو اپنا ہی ساتھ دینا ہے, بیٹی کو اپنا ساتھ دینا ہے, بچوں کو اپنا ہی ساتھ دینا ہے, کوئی کسی بھی طرف داری جڑی خدا کی بادشاہی چ کم از کم نہیں کر سکتا. خدا کی بادشاہی دنیا میں کر سکتا ہے, دنیا میں ہم ایک دوسرے کی طرف داری کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کی حمایت کر سکتے ہیں, لیکن خدا کی بادشاہی میں ایسا نہیں. وہاں پر ہر کسی کو اپنا جواب دینا ہے, اپنی ذمہ داری کو قبول کرنا ہے, اپنا جو کیا ہے وہی
काम आना है। इसलिए दूसरी बात जो हमें बताई गई वो शॉर्टकट से ग्रेस करने की बात थी, खासतौर पर अपनी रूहानी जिंदगी पर जब हम बात करते हैं, अपनी रूहानियत पर, अपने मसीह ईमान पर जब हम बात करते हैं, तो मसीह ईमान में शॉर्टकट की कोई गुंजाइश नहीं। तीसरी बात जो खुदा की बादशाह में बताई गई है वो खुदा के रहम की बात, बीज के बारे में बताया गया है कि वो खुदा के रहम पर होता है, इंसान के रहम पर नहीं। इंसान को बस चले तो वो बीज को उगाए और दूसरे दिन वो उसे फल लेना शुरू कर, लेकिन ऐसा नहीं। बीज बोया जाता है, अपने टाइम पर उगता है, अपने टाइम पर फल देता है, खुदा के रहम पर, खुदा के खुदा पर इंसान करता, इंसान पर इंसान नहीं करता। तो हमें भी खुदा की बादशाही का खुदा पर रहम करने के बारे में बताया जा रहा है कि खुदा पर इंसान करें। हम ज़्यादातर हम लोगों पर इंसान करते हैं, अपने अपने ख़ानदान पर, अपने अपने दोस्तों पर, कभी कभार दूसरे बाअसर जो लोग हैं उन पर हमारा एतमाद या भरोसा होता है। खुदा पर भरोसा करना सीखें। खुदा की बादशाही में अगर कायम रहना है तो हमें खुदा पर भरोसा करना सीखना है, खुदा पर तोकल करना सीखना है। और खुदा पर जब आप तोकल करें, खुदा पर जब आप भरोसा रखेंगे, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किल और परेशानियाँ खुद ब खुद हल हो जाए, खुद ब खुद वो हल हो जाए। मेरे सिस भाई बहनों, खुदा ने इस दुनिया में आकर छोटा और आम इंसान बनकर अपनी जान का नजराना देकर खुदा की इस बादशाही को हमारे दरमियान बहाल किया है। रसूलों ने अपनी जानों का नजराना देकर इस बादशाही को कायम रखा है। शहीदों ने अपने खून से इस बादशाही की आबियारी की और अपनी जानों का नजराना उन्होंने भी दिया ताकि खुदा की बादशाही बहाल रह सके। माँ ने अपने बेटों को इस बादशाही को बहाल रखने के लिए कुर्बान किया और आज खुदा की बादशाही हमारे पास पहुंच गई। और हमें भी इस बात की दावत दी जाए, हमें भी अपनी जिम्मेदारी से, हमारी जिम्मेदारी से आगाह करवाया जाए कि हम खुदा के प्रसन्न होते हुए, खुदा की बादशाही के फर्द होते हुए, हमारी ये जिम्मेदारी और हम पर फर्ज है कि हम अपनी जिंदगियों से और अपने कामों से, अपने रवैयों से, अपने चाल चलन से, अपनी जिंदगी से खुदा की इस बादशाही को बहाल करने में अपना हिस्सा और अपना किरदार अदा करें। तो आज खुदा अपने पाक कलाम के जरिए से अपनी बादशाही को बहाल रखने के लिए हमें हमसे दरख्वास्त कर रहे हैं, हमें दावत दे रहे हैं कि जो मसीह जिंदगी, जो मसीह ईमान आपने अपनाया है, उसे अपनी अमली जिंदगी का हिस्सा बना। आज पूरी दुनिया में फादर्स डे भी मनाया जाता है और ये अच्छे बाप की क्या खूबियाँ लिखी हुई हैं। अच्छे बाप किसे पढ़ना पढ़ना किसे आता है? अच्छे बाप की क्या खूबियाँ लिखी हुई हैं, किसी को पढ़ना आता है? क्या लिखी हुई है? अच्छे बाप की खूबियाँ क्या लिखी हुई हैं? पालनहार, सरबरा, मेहनती, मिलनसार, मोहब्बत करने वाला, अच्छा किरदार वाला और गैर अच्छे किरदार वाला। अच्छा, और गैर जिम्मेदार बात की खूबियां क्या क्या लिखी, सिफात क्या लिखी हुई? फिट हो रहे, अच्छे बाप ने किरदार अदा कर रहे हो कि गैर जिम्मेदार बाप ने किरदार अदा कर। अपने इस चार्ट को खुद ही लेके तुसी इस गल का फैसला कर सकते हो कि असी अच्छे बाप का किरदार अदा कर रहे हैं या गैर जिम्मेदार बाप का किरदार अदा कर। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे हमारे बाप ऐसे हैं, फादर्स डे आज जब हम मना रहे हैं तो बाप यकीनन बड़ी मेहनत करते हैं, इस बात में कोई शक नहीं। अपने खानदान का अच्छा चाहते हैं, इस बात में भी कोई शक नहीं। अपने खानदान के लिए तन और धन से मेहनत करते हैं, इस बात में भी कोई शक नहीं। अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए जब हम कुर्बान कर देते हैं, इस बात में भी कोई शक नहीं। लेकिन गैर जिम्मेदारी की बात है, यहाँ पर वाकई ही हमारे बहुत सारे फादर्स को, बहुत सारे वालदों को इस बात की ज़रूरत है कि अपने गैर जिम्मेदारा रवैये को देखें और अपना एक जिम्मेदार बाप का रवैया अपनाएं। गैर जिम्मेदाराना
وہ اس لیے کہ ہمارے بہت سارے والد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں سے کبھی پوچھے کہ کتھے جا رہے ہو، کی کرتے پے ہو، کہڑے تاڑے دوست نے، کنہاں دے نال تاڑی دعا سلام ہے، اور کتھے اپنا ٹائم سپینڈ کر۔ بچوں سے ان کے جو پاکٹ منی دی جاتی ہے وہ کبھی پوچھا ہی نہیں کہ کتھے پاکٹ منی خرچ ہو رہی ہے۔ بچوں کو کبھی سکول کے بارے میں نہیں پوچھا، بچوں سے کبھی ایمان کے بارے میں نہیں پوچھا کہ اچھا انہوں نے کہنا کہ میں خود نہیں کتنے جانا تو میں بچے نے کیوں پوچھا۔ بچوں سے کبھی یہ پوچھا ہی نہیں کہ میں آپ کسے آج اتوار کا دینا تھے کسے کیوں گئے تھے۔ بہت سارے والد ایسے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ تو یہاں پر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو والدوں کو توجہ جن پر دینے کی ضرورت ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم باپ اور ماں کی ہستی کے بارے میں جتنی بھی باتیں کریں وہ کم، کیونکہ خدا کے بعد جو اعلیٰ مقام ہم جنہیں دے سکتے ہیں اپنی زندگی میں وہ خدا ہے۔ خدا کے بعد میں کہتا ہوں کہ جو سجدے کے لائق ہیں وہ ماں باپ بھی، ان کو ہم سجدہ شاید کر سکتے ہیں، کیونکہ ان میں اس پیار کو، اس محبت کو، اس خلوص کو، اس معافی کو، اس درد کو اور اس پیار محبت کو ہم محسوس اور دیکھ سکتے ہیں، تجربہ کر سکتے ہیں جو خدا ہم سے کرتا ہے۔ تو آج کے دن ہم اپنے تمام والدوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ میرے پاس خدا نے قصر سے برکت عطا کرے، جو خدا نے سو چکے ہیں خدا نے ابدی آرام نائم کرے، اور جو زندہ ہیں خداوند انہیں ذمہ دار باپ بنائے، ان کی شفقت اور ان کی محبت خاندان پر اور بچوں پر ہمیشہ قائم رہے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ ہم سب کھڑے ہو کر اپنے مسیحی ایمان کا